तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से और मजे मस्ती में होंगे। दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली स्पेशल रिक्वेस्ट बनाने वाला हूँ, जिसे हमारे एक व्यूवर हैं और जानना चाह है कि हम कैसे आप अपने फ़ोन से ईमेल आईडी या फिर नया गूगल अकाउंट बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। साथ ही अगर आपका कोई भी जीमेल अकाउंट से कुछ भी रिलेटेड सवाल जवाब है तो वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप नया ईमेल अकाउंट अपने मोबाइल फ़ोन के लिए भी कहीं भी बना सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। वहाँ पर चाहे आप फोन में यूज़ कीजिए, चाहे अपने बिजनेस के लिए यूज़ कीजिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए बनाइए, कैसे आप उसे बना सकते हैं, तो उसको आज का वीडियो इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, उसके लिए चलना पड़ेगा हमको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और वहाँ पे आपको चल के अच्छी तरीके से दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने लिए एक प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे अपने बिजनेस के लिए यूज़ कीजिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए कीजिए, कैसे आप उसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको चल के स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कैसे आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। चल चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से करके दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, मैं उसके लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ और स्क्रीन पे आने के बाद मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन से एक जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन का आपको जाना, जीमेल जो है उसको ओपन कर लेना है, और मैं यहाँ पर ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद इसको ओपन कर लेना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी से बहुत सारे अकाउंट को लॉगिन करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा जरूरी वाला जो रहता है उसमें ऑलरेडी इसको लॉगिन करके रखा हुआ। यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है, जैसे आप नया नया ईमेल करेंगे तो आपको कुछ अलग से दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जाना है। अगर आप इसमें ऑलरेडी है तो इसका आपको सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल फोटो पे चले जाना है। प्रोफाइल फोटो के बाद जैसे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखता होगा एड अनदर अकाउंट, यहाँ पे आप जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखता होगा गूगल या फिर और इसमें चीजें अगर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल पे कर लेता हूँ आज को भी, आपको मैं जीमेल अकाउंट भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं अगला जाता हूँ, एड अकाउंट पे गया। अकाउंट के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाने का सबसे पहले चला जाता हूँ। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम वही रहेगा। मैं आपको फ़ोन का स्क्रीन लॉक डालता हूँ, और फ़ोन का स्क्रीन लॉक डालने के बाद आपको फटाक से मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं नया ईमेल अकाउंट, लेकिन आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। और जैसे मैंने ये अकाउंट पर क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने पूछेगा कि सेल्फ या फिर बिजनेस। यहाँ पे अगर बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं तो बिजनेस को सिलेक्ट कीजिए, अगर आप खुद के लिए बनाना चाहते हैं तो माई सेल्फ पर क्लिक कीजिए। माई सेल्फ में करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं किया और यहाँ पे मैं जाता हूँ। इसके बाद आप अपना नाम दे देता हूँ, और नाम देने के बाद मैं लास्ट नेम दे देता हूँ। इसके बाद आपको सक्सेसफुल हो चुका है, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। और जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक किया ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पर कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर जो भी आपका जन्मतिथि हो वह सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं फटक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अनेस्ट पे गया। यहाँ पे आप ईमेल से कोई भी चूज कर सकते हैं, क्रिएट योर ओन जीमेल। यहाँ पे मैं अपने पसंदीदा ईमेल को चूज करूंगा। अपने पसंदीदा ईमेल को चूज करने के लिए आपको सेम टू सेम ऐसे करना है, ये नहीं कि आप अगर वही दिखा रहे तो वही आप चूज करें, आप अपने पसंदीदा ईमेल को ही चूज करें। यहाँ पे मैं अपने फेवरेट वाला को चूज करूंगा। यहाँ पर मैं कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि अपना पासवर्ड डालिए, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा ये भी हो चुका है, क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आई एग्री के बाद आप सक्सेसफुल इसमें जा सकते हैं। तो हमारा सक्सेसफुल जो है जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो मैं अगली वीडियो आपको बताऊंगा कैसे आप ईमेल अकाउंट को पुराने जीमेल अकाउंट को कुछ भी या फिर कोई भी जीमेल अकाउंट है yahoo.com कुछ भी अगर है तो कैसे आप उससे रिकवर करेंगे, वो वीडियो आपको जल्दी बताने वाला हूं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं आपको जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।